अब तक आपने देखा कंस ने रचा नया षड्यंत्र और सुदामा की परछाई को बनाया पर्वतासुर। महाराज ये किसकी परछाई है? कृष्णा का परम मित्र सुदामा। पर्वतासुर जिसने आतंक फैलाया गोकुल पर। आज देखिए कान्हा के मित्रों और दाऊ का सामना हुआ पर्वतासुर से। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। पर्वतासुर छोड़ मेरे मित्र को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। और कान्हा पड़े असमंजस में कैसे बचाएंगे अपने मित्रों को बिना हानि पहुंचाए अपने परम मित्र सुदामा को, क्या होगा अब, आइए देखें आगे। सुदामा की इस परछाई पर मैंने नियंत्रण पा लिया है, ये केवल और केवल मेरे वश में है। अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा वहां पर सुदामा गोकुल में वही करेगा, समझे? जी महाराज, अद्वितीय। इस युक्ति के तहत तो कृष्णा को मारना और भी सरल हो जाएगा महाराज। परछाई, तू पर्वतासुर बन जा। देखा विकट, देखा पर्वतासुर। पर्वत हमारे यहाँ आ रहा है। शुराइयो आगे मत जाना, वो पर्वत विचित्र है। अच्छा, मुझसे पराजय के भय से बहाने बनाने लगे। तुम मुझे रोककर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो ना? किंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए, सबसे पहले चोटी पर मैं पहुंचूंगा। शुरायु, शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए, सबसे पहले पर्वत पर मैं पहुंचा। हमें कृष्णा की बात सुननी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है यही पर्वतासुर नामक राक्षस है। बचाने के लिए पर्वतासुर से युद्ध करेंगे, और यदि
पर्वतासुर दाऊ से टकराया तो दाऊ उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दाऊ को ये नहीं पता कि पर्वतासुर हमारा अपना है। किंतु यदि दाऊ ने पर्वतासुर को नहीं मारा तो पर्वतासुर दाऊ और अन्य मित्रों को क्षति पहुंचा सकता है। पर्वतासुर, सुना नहीं तूने? शुरायु को छोड़ दे। तो ले संभाल अपने मित्र को। नहीं शुरायु, बचाओ मेरे, कोई रक्षा करो, मुझे कोई बचाओ। भैया ये क्या है? लग रहा है जैसे मैं बाहरवीन हो गया। सुबीर, ये शुरायु को क्या हुआ? ये इतने होले होले भूमि की ओर कैसे आ रहा है? कान्हा यहाँ ना होकर भी अपने सखों की रक्षा कर रहा है। राक्षस से बचना है तो हमें गोकुल जाना होगा। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। बलराम गति बढ़ाओ, पर्वतासुर तुम्हारे निकट है। सभी मित्र आगे बढ़ गए हैं। गोकुल में प्रवेश करने से पूर्व तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम मेरे पैरों तले रुंधने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ तैयार हूँ। मुझे आहत किया, अब तू मेरे हाथ तो नहीं बचेगा। पर्वतासुर ये मेरा अंतिम वार है। महाराज, बलराम के आगे पर्वतासुर भी नहीं टिक पाया, नहीं उसके प्राण ना निकल जाए। अच्छा है कि किसी ना किसी को हानि पहुंची जो कृष्णा के पक्ष में है। और तुम भूल गए, ये केवल पर्वतासुर नहीं, ये सुदामा भी है। अब सुदामा को कोई नहीं बचा सकता। अब कृष्णा के जितने भी निकटतम व्यक्ति हैं ना, उनकी परछाई को वश में करके मैं सबको समाप्त कर दूंगा। अब यूं समझो कि सुदामा के प्राण निकले ही निकले। वो कृष्णा कहता है ना कि उसके प्रियजनों का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि वो कृष्णा करता क्या है। मैं तुम्हारे भय को गोकुल की सीमा तक नहीं पहुंचने दूंगा पर्वतासुर। तुम्हारा अंत मैं यही कर दूंगा। कान्हा, तुम मुझे पर्वतासुर को
मारने से क्यों रोक रहे हो? मैं गोकुल को पर्वतासुर के भय से मुक्त करना चाहता हूँ। दाऊ, ये पर्वतासुर नहीं अपितु हमारा कोई अपना है। ये क्या कह रहे हो काना? कौन है ये? सुदामा? महाराज ये क्या, आपका दावा सफल हो गया है और आप हंस रहे हैं? ना, मेरा दावा सफल नहीं हुआ, सटीक निशाने पे लगा है। अब देखना कृष्णा क्या करता है। वो पर्वतासुर को मार नहीं सकता क्योंकि उसके प्रिय मित्र सुदामा के प्राण उसमें। अब आएगा आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद। मैं इस पर्वतासुर को इतना भयावह बना दूंगा कि वो गोकुल की ईंट से ईंट बजा देगा। और फिर देखना यही कृष्णा अपने परम, अपने प्रिय मित्र को कैसे समाप्त करता है। क्या सुदामा ही पर्वतासुर है? किंतु कैसे? सुदामा की ये दशा उसके लोभ के कारण हुई है दाऊ। मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी थी किंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो दाऊ। उसे अब पर्वतासुर ही बने रहना होगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो दौड़ रहा था, फिर अकस्मात मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ स्मरण ही नहीं। ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है। तुम्हें ये तो स्मरण होगा ही कि तुमने कल एक ऐसी वस्तु अपने समीप रख ली थी जो तुम्हारी नहीं थी। यदि मैंने कृष्णा को सब सत्य बता दिया तो कृष्णा मुझे वो शंख उस शंख के स्वामी को लौटाने को कहेगा। नहीं नहीं, उसे वो शंख नहीं दूंगा। बोलो सुदामा, क्या छिपा रहे हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सुदामा तो अभी असत्य ही कह रहा है। सुदामा को पहले अपना लोभ छोड़ना होगा। जब तक वो लोभ करेगा मैं पर्वतासुर को नहीं मार सकता। क्या आर्य, इस बार तो हमारे सारे बालक सुरक्षित घर लौटाए, किंतु वो दानव हमारे गोकुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। हाँ नंदराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ही कोई उचित मार्ग निकालिए ना, क्योंकि आप ही हमारे ग्राम प्रमुख हैं। हाँ, और जब आप ग्राम प्रमुख हैं तो गोकुल को असुर से अभय प्रदान करने का परम कर्तव्य आपका ही है। आज गोकुल तो जैसे भ्रमण भूमि सी बन गई है असुरों की, और वो भी आपके राज में रंग। किस प्रकार के ग्राम प्रमुख हैं आप? नहीं जादूगर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पर्वतासुर हमारे गोकुल का कुछ नहीं कर सकता। मैं समस्त गोकुलवासियों के सामने ये वचन देता हूं, पर्वतासुर का अंत निश्चित ही होगा। यदि पर्वतासुर का अंत हुआ तो सुदामा जीवित नहीं बच पाएगा। सुदामा को पर्वतासुर से मुक्त करना होगा। मामाश्री ने इस बार बहुत ही घातक चाल चली है।
ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। मुनिवर इस समय ध्यान मुद्रा में, उन्हें व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। जी नंद जी, वैसे भी ऋषि रामानिक बहुत क्रोधित स्वभाव के, उचित होगा हम यही प्रतीक्षा करें। ओम सूर्य देवाय नमः। क्षमा ऋषिवर क्षमा, उसे त्रुटि वश मटकी टूट गई। तूने हमारा ध्यान भंग किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। ये मेरे मित्र और सहकर्मी उपनंद हैं, इनसे त्रुटिवश भूल हो गई है। हमारा उद्देश्य आपकी साधना में व्यवधान डालना कतई नहीं था, वो त्रुटिवश हो गया। आप अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए मुनिवर, हम तो आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे। हम बहुत बड़े धर्म संकट में हैं मुनिवर। ठीक है नंद, मैं कल गोकुल आऊंगा, और कल भी अगर उस दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं मेरे आराध्य देव सूर्य से प्राप्त अस्त्रों से उसका अंत कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी इन अस्त्रों से बच नहीं पाया। किंतु हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है नंद। वो पर्वतासुर वन में नहीं, अभी तो गोकुल में ही किसी गोकुलवासी के शरीर में छिपा है। क्या पर्वतासुर किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है गोकुल में? किंतु कौन है मनुष्य वो मुनिवर? इस समय मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ नंद, वो पर्वतासुर जिस भी व्यक्ति के अंदर छिपा है वो परछाई हीन है। उसकी परछाई धरती पे नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो समझ लेना कि पर्वतासुर तुम्हारे समक्ष है नंद। पुत्र, तुम्हारे लिए एक काढ़ा लाए हो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। देख, अब तू मेरी बात नहीं टालेगा। वन हो या घर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना है वो पर्वतासुर गोकुल में कभी भी संकट ढा सकता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि पर्वतासुर राक्षस गोकुल में किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है। यदि किसी को भी ऐसा मनुष्य दिखाई दे जिसकी परछाई धरती पर ना पड़ती हो, वही पर्वतासुर है। सभी गोकुल वासियों से सतर्क रहने का अनुरोध है। नहीं, मैं राक्षस नहीं हो सकता, मैं पर्वतासुर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि रामानिक ने उपनंद जी को श्राप दे दिया? हाँ यशोदा, ऋषि रामानिक बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं। वो किसी की भी सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि को भी क्षमा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने उपनंद को श्रापित कर दिया। किंतु ये तो उचित नहीं है ना बाबा। ज्ञानी व्यक्ति में अगर क्रोध हो तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? क्योंकि क्रोध की अग्नि में मनुष्य के सभी गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ काना, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो।
किंतु ऋषि रामानिक बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो कल ही गोकुल पधारने वाले हैं। तुम उनसे इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं करोगे, अन्यथा यदि उन्हें क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा। वो सूर्यवंत और सूर्यास्त्र का प्रयोग करके किसी को भी श्रापित कर सकते हैं। सूर्यवंत और सूर्यास्त्र, ये क्या है आर्य? यशोदा, ऋषि रामानिक ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके वरदान के रूप में सूर्यवंत और सूर्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, जो सूर्य की किरणों के तेज से बने हैं, इसीलिए बहुत घातक भी हैं। और वो गोकुलवासियों के पर्वतासुर के प्रहार से रक्षा करेंगे। इन्हीं अस्त्रों के कारण मुझे सुदामा की चिंता हो रही है कान्हा। हाँ दाऊ, अब सुदामा को बचाना अत्यंत कठिन है। आर्य, गोकुलवासियों की सतर्कता की वजह से पर्वतासुर जल्द ही मिल जाएगा। बस अब ये देखना है कि गोकुल में वो कौन सा मनुष्य है जिसकी परछाई नहीं है। हमें इसी समय सुदामा की रक्षा के लिए निकलना होगा। सुदामा के प्राण संकट में हैं। यदि किसी ने देख लिया कि सुदामा परछाई रहित है तो सब उसे मार देंगे।